अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद नाज़िम सुल्ताना है और मैं 10th क्लास में हूँ। मैं यूनिक स्कूल से बात कर रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू हैव इन दिस स्कूल, बिकॉज ये स्कूल ना कि हमें एजुकेशन बताता है सिर्फ, बल्कि हमें सोशल एक्टिविटीज़ में भी आगे करता है, स्पोर्ट्स सेलिब्रेट करता है। ये स्कूल में आज हम सोशल्स में हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल से, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, जनरलिस्ट, डेंटल एंड ऑल सब चीज़ की फैसिलिटीज़ है। यहाँ पर स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, हम एक्टिविटीज़ में आगे जाते हैं, हम कॉम्पिटिशन्स में सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बताता है, बल्कि सब चीज़ में हमें वो सपोर्ट किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स या बॉयज़ ही बल्कि नहीं, बल्कि सबको आगे अपॉर्चुनिटीज़ में सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन ऐसे नॉर्मल टीचर्स के लिए भी अपॉइंट नहीं होता है, बल्कि एवी रूम एंड ऑल बहुत सारे फैसिलिटीज़ है एजुकेशन के लिए भी, जिससे हमें बहुत आगे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हमें यहाँ पर गाइड किया जाता है फ्यूचर हमें सेलेक्ट करने के लिए, कि फ्यूचर में क्या बनना है उसके लिए भी गाइड किया जाता है। लाइक आई एम फीलिंग प्राउड टू हैव इन दिस स्कूल। ओके, सो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अब आज हमारे यूनिक स्कूल में हेल्थ कैंप है। यह हमारा स्कूल इतना अच्छा है कि यहाँ स्पोर्ट्स पर, इस्लामिक स्टडीज़ पर, हर चीज़ पर फोकस करते हैं। आज हमारे स्कूल में फ्री मेडिकल कैंप है, जिसमें हर चीज़ फ्री में चेकअप होगा आपका, जनरल, फिजियोथेरापिस्ट, एवरीथिंग। और हमारे स्कूल में इतने अच्छे इस्लामिक स्टडीज़ है कि हमारे स्कूल में नमाज तक बाद जमात पढ़ाई जाती है। हमारे स्कूल में ना कि सिर्फ स्टडीज़ पर, खेल और कूद में भी, स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे रहते हैं हम लोग। कल ही हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स सेरेमनी कॉम्पिटिशन हुआ है, जिसमें हमारे स्कूल में डिप्टो सर एंड बहुत से लोग आए थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यूनिक स्कूल में पढ़ता हूँ। ये स्कूल बहुत ही बेहतरीन है, हर चीज़ में ये स्कूल आगे है। स्पोर्ट्स रहने दीजिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट रहने दीजिए, एजुकेशन, हर चीज़ में ये स्कूल आगे है। इस्लामिक हमारे पास जोहर की जमात, बा जमात पढ़ाते हैं रोज़, और एवरी वीकेंड हमारे पास इस्लामिक क्लासेस होते हैं, हाउ टू लीव अ लाइफ, कैसा रहना चाहिए हमें ज़िंदगी में। और कल परसों ही हमारे पास स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था, जिसमें हमारे एरिया के DO सर आए थे, जिन्होंने हमें बहुत ही इंकरेज किया। और हमारे स्कूल की तरफ से हमारे क्लास का एक मेंबर आसिफ, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कबड्डी के लिए जा चुका है। ईस्ट और वेस्ट, यूनिक इज़ द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं एक यूनिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ और आई एम प्राउड टू बी अ यूनिक हाई स्कूल स्टूडेंट। सो मैं हमारे यूनिक स्कूल की जितनी तारीफ करूँ वो कम है, क्योंकि हमारा स्कूल हर एक चीज़ में बेस्ट है। हमारे स्कूल में चाहे स्पोर्ट्स हो, इस्लामिक स्टडीज़ हो, एवरीथिंग, हर एक चीज़ में हमारा स्कूल बेस्ट है। देखा जाए तो अगर एक लो एवरेज बच्चे को लोग हाई एवरेज बच्चा या फिर एक गुड स्टूडेंट बना सकते हैं, टॉपर बना ले सकते हैं एवरेज स्टूडेंट को, एवरेज स्टूडेंट के बच्चे को भी उन्होंने इतना फोकस करते हैं कि ये टॉपर बनना। तो हम ये हालांकि लोग कबड्डी के बारे में भी लोग टीच करते हैं कि अपने को कैसा खेलना, स्पोर्ट्स में भी हर स्पोर्ट्स का है, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, एवरीथिंग, नॉट ओनली फॉर बॉयज़ बट ऑल्सो फॉर गर्ल्स। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर यूनिक हाई स्कूल ईदी बाज़ार में एक बेहतरीन मेडिकल कैंप, यूनिक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। यूनिक हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो ना सिर्फ एजुकेशनल फील्ड, इस्लामिक एजुकेशन प्लस सोशल सर्विस में भी बहुत ही उसका बहुत बड़ा हाथ है। उनके सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो यूनिक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें हमारे पास काफ़ी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल है, ऑर्थोपेडिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, एंड देन वी हैव वेरियस लैब डायग्नोसिस। कई लैब डायग्नोसिस हैं, ब्लड शुगर टेस्टिंग, BP टेस्टिंग, एंड देन वी हैव गॉट फिजियोथेरेपी, ECG टेस्टिंग, ये सारे फ्री में हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसे आप देख सकते हैं, कई पेरेंट्स यहाँ पर आके इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं बच्चों के लिए। ये भी एक मोटिवेशन है बच्चों के लिए। ये सारे डॉक्टर्स को देख के वो लोग ना सिर्फ इंस्पायर हो रहे हैं, बल्कि उनको एक खुशी मिल रही है, वो लोग को भी एक ख्वाहिश डेवलप हो रही है कि हम भी आगे बढ़ के एक डॉक्टर बनेंगे, हमारे कौम के लिए हम कुछ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिक हाई स्कूल माशाल्लाह इतने स्कूलों में से मैंने जो देखा है बेहतरीन स्कूल है, हर फील्ड में, हर फील्ड में, हर
एस्पेक्ट में बच्चों को सोसाइटी का हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ इसका कॉन्सेंट्रेशन है जी। जी मेरा मैसेज हमारे एरिया के पेरेंट्स के लिए ये है कि आप ये स्कूल, ये एक जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप इसको कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करिए। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, तो ये मौका आपको मिल रहा है, इसको जाने मत दीजिए। ये मौके को इस्तेमाल करके, ये प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करके आप ना सिर्फ अपने बच्चों का एजुकेशनल फील्ड को बेहतरीन बना सकते, बल्कि आप अपने बच्चों में इस्लामी तरबियत पैदा कर सकते हैं। अब जो दौर जिसमें मास मीडिया, जिसमें मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जिसमें हमारे कौम काफ़ी गलत रास्तों पर चल रही है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम के लिए आरास्ता कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को बता रहे हैं कि भाई हम इस्लामी दायरे में रहकर भी कैसा हम हमारे कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो मेरी ये सारे पेरेंट्स से गुजारिश है कि ये स्कूल को अपने यूटिलाइजेशन के लिए लीजिए, ये स्कूल के सर्विसेज को यूटिलाइज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे बेइंतहा खुशी है इस बात की कि यानी हुसामुद्दीन साहब जो मेरे दोस्त हैं वो यहाँ पर मेडिकल कैंप जो है अरेंज किए हैं। वाकई यूनिक मेडिकल कैंप जो यूनिक हाई स्कूल ईदी बाज़ार कुमारवाड़ी कॉलोनी में मेडिकल कैंप का ख़याम वाकई एक बहुत बड़ा इकदाम है। बेहतरीन जो है मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यानी बेइंतहा खुशी हो रही कि कई पेरेंट्स, कई जो है यानी अपने स्टूडेंट्स और कई जो है टीचर्स इसमें जो है इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। वाकई खुशी की बात है। ये फ्री मेडिकल कैंप का इनेखात करना हकीकत में एक बेहतरीन इकदाम है। और मैं हुसामुद्दीन साहब जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि जो ऐसे मेडिकल कैंप में आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जो है इसमें इन्वॉल्व करके मेडिसिन को भी अगर फ्री सप्लाई की का इंतज़ाम करें तो बेहतरीन जो है बात हो जाती है। और इन तमाम पब्लिक के लिए, आवाम के लिए फ्री मेडिसिन का भी जो है इंतज़ाम हो जा सकता है। मैं ख्वाहिश करूँगा कि नेक्स्ट कभी भी मेडिकल कैंप हो तो मेडिसिन के साथ जो है अरेंज किया जाए। वाकई आज जो मेडिकल कैंप अरेंज किया गया है उसमें कई हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स का इंतज़ाम किया गया है। यानी जैसा सर यानी डॉक्टर सरला का इंतज़ाम हुआ है, गायनेकोलॉजिस्ट, या जो ईदी बाज़ार में जो है श्रावणी हॉस्पिटल है वहाँ से जो डॉक्टर सरला आए हुए हैं, और एक मेरी जो है बहू है यानी डॉक्टर महरीन जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यानी गवर्नमेंट मेडिकल गवर्नमेंट कोठी हॉस्पिटल के जो है डॉक्टर हैं वो, और यानी इस तरह से अल्फा हॉस्पिटल के जो है यानी बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है मौजूद हैं, और यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, और ऐसे कई हॉस्पिटल से जो है डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। और यकीनन जो है इन डॉक्टर से इस्तेफादा करना चाहिए, और यानी यहाँ के हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। मैं बेइंतहा खुश हूँ कि आज हबीब मैडम जो स्कूल के जो करस्पॉन्डेंट हैं और उनकी जो है कोशिश की वजह से आज मेडिकल कैंप कायम हुआ है, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उसामुद्दीन साहब ऑर्गेनाइज़र को भी मैं मुबारक देता हूँ कि जब इस मेडिकल कैंप के इनेखाद के लिए जो यूनिक हाई स्कूल का इंतखाब किए हैं वो वाकई काबिल फ़ख्र इकदाम है, काबिल सताइश बात है। मैं यही चाहूँगा कि इस मेडिकल कैंप को हमेशा ऐसा कंटिन्यू करते रहिए, और ये साल में एक मरतबा ज़रूर मेडिकल कैंप जो है कायम करिए। तमाम हमारे पेरेंट्स को और तमाम बच्चों को इससे काफ़ी जो फ़ायदा हो रहा है और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वह बहुत खुशी की बात है। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट का इंतज़ाम है, और गायनेकोलॉजिस्ट का इंतज़ाम है, आर्थोपेडिशन डॉक्टर्स का इंतज़ाम है, या ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का इंतज़ाम है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट के जो डॉक्टर्स का इंतज़ाम है, वाकई जो बहुत यानी फिजिशियंस का इंतज़ाम है, और पैथोलॉजी का लैब का इंतज़ाम है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो यानी अरेंजमेंट किए हैं। और यह यानी हमारे हुसाम साहब जो है यानी इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, और इनकी कोशिश से जो है यूनिक स्कूल में जो है ऑर्गेनाइज़ हुआ है, और हबीब मैडम की भी ख्वाहिश थी और उनकी ख्वाहिश की आज तकमील हुई है। मैं बेइंतहा यानी हुसाम साहब ऑर्गेनाइज़र का मशकूर हूँ, और हबीब मैडम करस्पॉन्डेंट का भी मशकूर हूँ जो यानी इस स्कूल के तमाम पेरेंट्स और इस लोकेलिटी के जो है तमाम जो है यानी पब्लिक के लिए जो इंतज़ाम किए हैं वाकई काबिल फ़ख्र बात है। मैं बेइंतहा इसका मशकूर हूँ कि यूनिक हाई स्कूल में मेडिकल काम का ख्याम वाकई यानी
सही यानी पब्लिक को जो है फ़ायदा हो रहा है और कई जो है लोग इससे जो है इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मैं यही ख्वाहिश करूँगा कि जो ऐसा कैंप ऐसा कायम कर इनेखात करते रहिए और हर साल इसका इनेखात करिए और इसमें और इजाफा करिए कि मेडिसिन को भी जो है फ्री जो है सप्लाई का इंतज़ाम करें। अल्लाह हाफिज़।